हरियाणा जो है वहां पर 90 सीटों के रुझान की बात करें तो बीजेपी के पास 42 है, कांग्रेस के पास 27 है और अदर्स के खाते में 21 सीटें हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उन 21 सीटों में सबसे ज्यादा जेजेपी के पास सीट है। लेकिन देखिए शशांक, महाराष्ट्र का जो अभी ताजा आंकड़ा बता रहा है ना, ये बता रहा है कि कांग्रेस की स्थिति भी ठीक हुई है। कांग्रेस एनसीपी दोनों मिला के 85 पर थे जबकि 92 पर अभी उनका आंकड़ा बता रहा है जी। और देखिए दिल्ली में जो है कल जेजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, यानी कि कल की बैठक में ये फैसला होगा कि जेजेपी किसके साथ जाएगी। और ये साफ तौर पर जब दुष्यंत चौटाला ही बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि विधायक जो है ये निर्णय लेंगे कि आखिरकार उनको किसके साथ जाना चाहिए, लेकिन वो भी देखेंगे कि किसके साथ जाकर के फायदा है ये भी तय होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कल जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें वो तय कर लेंगे। इंतजार आज के परिणाम का होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो रुझान आए हैं उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जेजेपी बड़ी भूमिका में होगी। और यही कारण है कि दिल्ली में कल जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें वो फैसला करेंगे कि जेजेपी आखिरकार परिणाम आने के बाद किसके साथ जाएगी, क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी। देखिए शशांक, इसमें बीजेपी का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर होता है, साफ होता है। वो सहयोगी दलों को जिस तरीके से साथ लेती है, अगर उसके आंकड़े पूरे हैं इसके बावजूद भी वो सरकार में भी साथ रखती है उन पार्टियों को और कभी किसी तरह का मतभेद सामने नहीं आया है। एक परिवार में जिस तरह से थोड़ी बहुत खटर पटर होती है तो उस तरह की स्थितियां अगर आती है तो बीजेपी उसे संभाल लेती है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, अभी तो बहुत दूर है, तो कहीं कुछ ऐसे आसार नजर आए। ये एहसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय मुंबई से। एहसान, इस समय जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों के जो रुझान आए हैं, बीजेपी 102 सीटों पर आ गए हैं, शिवसेना 62, यानी शिवसेना को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है, बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2014 के आंकड़े से हम तुलना करें, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? देखिए ये तो बात साफ है कि 2014 में शिवसेना और बीजेपी दोनों ही अलग अलग और सभी सीटों पर उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जाहिर है उसका ये 122 और 63 का जो आंकड़ा था 2014 का, उसका वो नतीजा था। इस बार दोनों ने आधी आधी सीटें बांट ली है।